Very good morning to all of your class. Today we will start chapter 10, the place where land ends, means one place जहाँ पे land end होती है, ठीक है? The place where land ends. In this chapter, बेटा हम पहले introduction देखते हैं कि इस chapter में हमें read क्या करना है. So in this chapter we will go on a journey with Tina, her amma and appa. To the holy town of Rameswaram, you will experience the sight and sounds of the places that she sees. Means बेटा आप लोग इस चैप्टर में रामेश्वरम की यात्रा करोगे. ओके, हम लोग कहाँ घूमेंगे? रामेश्वरम. एक टीना के साथ, टीना रामेश्वरम गई है और अपनी स्टोरी उसने हमें बताया है, उसने स्टोरी बताई है. तो हम चलो रीड करते हैं. लेट्स बिगिन, चलो स्टार्ट करते हैं. हैव यू एवर ट्रेवल्ड एनीवेयर बाय ट्रेन? क्या आपने कभी ट्रेन की यात्रा की है? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? आपका एक्सपीरियंस कैसा था? शेयर योर एक्सपीरियंस विथ योर फ्रेंड्स. आप अपने एक्सपीरियंस को, अगर आपने ट्रेन से कभी जर्नी की है तो आप अपने एक्सपीरियंस को अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो. Read on to travel with Tina and her family on a journey to a place where land ends. Means Tina और उसके परिवार के साथ, उसकी फैमिली के साथ यात्रा करने के लिए एक ऐसी जगह की यात्रा करें जहां पे भूमि समाप्त होती है. बेटा यहाँ पे हम थोड़े से लॉर्ड राम, हमारे जो राम थे उन्होंने जो ब्रिज बनाए थे, जो सेतु बनाए थे, उसके बारे में आज हम लोग वहां पे जाके वहां की सैर करेंगे इस बुक के थ्रू. ओके, सो सबसे फर्स्ट बेटा मैं वर्ड मीनिंग आपको एक्सप्लेन करूंगी और ये चैप्टर लेंथी है सो मैं इसे थ्री पार्ट्स में एक्सप्लेन करूंगी. ओके, थ्री पार्ट्स में ये मैं आपको दूंगी. सो वर्ड मीनिंग, फर्स्ट इज वर्ड मीनिंग. तो सो फर्स्ट वर्ड इज इल्डेड. इल्डेड मीन्स सरेंडर्ड, एक्सेप्टेड डिफीट. इल्डेड मीन्स होता है बेटा मान लिया या राजी हो गए, एग्री हो गए, तो यानी कि सरेंडर कर दिया. इनेव ऑफ मीन्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट एंड अमेजमेंट. मीन्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट, आदर के साथ, आदर की जो रेस्पेक्ट फीलिंग होती है वो क्या है? इन एव ऑफ. ग्लाइडेड मीन्स मूव विथ स्मूथ क्वाइट कंटिन्यूअस मोशन. मूव मीन्स होता है बेटा सॉरी ग्लाइडेड मीन्स होता है सरकना, मूव करना, ठीक है. एंड पैरालेल मीन्स साइड बाई साइड एंड हैविंग द सेम डिस्टेंस बिटवीन. मीन्स समानांतर, आप लोग पैरालेल जानते होंगे. इपिक मीन्स अ लॉन्ग पोयम नैरेटिव डिराइव्ड फ्रॉम ओरल ट्रेडिशन. इपिक मीन्स होता है बेटा महाकाव्य. ओके, एंड एबॉन्डेंट मीन्स हैविंग बीन डिजर्टेड और लेफ्ट. मीन्स होता है टूटा फूटा भाग या छोड़ा हुआ. स्ट्रॉल मीन्स ए शॉर्ट लीजरली वॉक. एक शॉर्ट वॉक मीन्स टहलना, चहलकदमी करना या सैर करना. शोल मीन्स अ सैंडी एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द बॉडी ऑफ वॉटर विच मेक्स द वॉटर वेरी शैलो एट द पॉइंट. शोल मीन्स बेटा होता है छिछला हो जाना, बालू का ढेर को, बालू के ढेर को क्या कहते हैं? शोल. एंड मिसमराइज्ड, नेक्स्ट वर्ड इज मिसमराइज्ड मीन्स कैप्टिवेट, कैप्चर समवन्स कंप्लीट अटेंशन. मीन्स आकर्षण, आकर्षित करना, ठीक है. मिसमराइज्ड मीन्स होता है आकर्षित करना. नेक्स्ट वर्ड है जोल्टेड. जोल्टेड मीन्स टू मूव विथ अ क्विक एंड सडन मोशन. मीन्स बेटा झटके से उठना, क्या होता है? झटके से उठना, जोल्टेड मीन्स. चैंट्स मीन्स होता है मंत्र और रिपीटेड रिथमिक फ्रेज, यानी कि चैंट मीन्स होता है बेटा मंत्र, जो मंत्र पढ़े जाते हैं. एंड सैक्रेड मीन्स रिलीजियस एंड हॉली. सैक्रेड मीन्स होता है धार्मिक, आप लोग जानते हो.
एंड मेमोरियल लास्ट है, नहीं मेमोरियल, मेमोरियल मीन्स बेटा स्टैचू और स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश टू रिमेन पीपल ऑफ अ पर्सन और इवेंट, मीन्स शहीद स्मारक या यादगार जो होता है उसे क्या कहते हैं, मेमोरियल. एंड लास्ट है यूनिक बेटा, यूनिक मीन्स होता है बीइंग द ओनली एक्साइटिंग वन ऑफ इट्स टाइप, मीन्स अनूठा या अनोखा, यूनिक होता है जो उसे क्या कहते हैं, अनूठा या अनोखा. सो कल की वीडियो में मैं एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट दूंगी, आज आप लोग वर्ड मीनिंग को नोट करोगे.